31 अगस्त पिछले 24 घंटा में उड़ीसा में केवल कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह करके ही बारिश हुआ है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही ड्राई वेदर था। हाईएस्ट बारिश था मोथिली मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में 10.0 मिलीमीटर, उसके बाद केवनझरगढ़ 7.8 मिलीमीटर। स्टेट एवरेज रेनफॉल था 0.2 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 7.9 मिलीमीटर। अभी सीजनल बारिश का जो स्थिति आया है, पहले जून से आज 31 अगस्त तक उड़ीसा में टोटल रेनफॉल हुआ है 783.3 मिलीमीटर। इस समय तक का स्वाभाविक है 914.5 मिलीमीटर, 14% कम है, बट स्वाभाविक रेंज में ही है। जिला वाइज बोथ डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस बारिश हुआ है। 18 जिला में स्वाभाविक है और स्वाभाविक से व नॉर्मल से कम हुआ है। डेफिशिएंसी है 11 जिला में। 7 जिला कोस्टल एरिया का है, 4 जिला इंटीरियर एरिया का है। अभी फोरकास्ट हमारा जो है अगला 5 दिन का, नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगला 24 घंटे में केवल थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ कुछ कुछ एरिया में ही बारिश होगा। कल से 1 सितंबर से बारिश ग्रेजुअली इंक्रीज करने का चांसेस है। कल इंटीरियर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में ही बारिश रहेगा। कोस्टल उड़ीसा में स्कैटर्ड वे में रहेगा, बट थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने का चांसेस है मेनी डिस्ट्रिक्ट में। फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ में बारिश, सेकेंड में मेनी प्लेसेस में बारिश रहेगा, थर्ड फोर्थ में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ में हैवी रेनफॉल भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह करके होने का चांसेस है। हमारा भुवनेश्वर सिटी में पार्टली क्लाउडी स्काई आज होने का चांसेस है। कुछ कुछ एरिया में थंडर एक्टिविटी के साथ हल्का बारिश भी पॉसिबिलिटी है। और फिर 1 से 4 सितंबर का अंदर में भी हमारा भुवनेश्वर सिटी में भी बारिश का पॉसिबिलिटी है।